वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस समय लिटरली 9:30 बजे अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। सो लिटरली यार जैसे मैं उठा ना तो बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है ना, मतलब लिटरली सुबह मॉर्निंग से कंटिन्यूसली मतलब 6-7 बजे से बारिश हो रही है और मौसम इतना प्यारा हो गया ना, इतना मस्त है ना। पहले है ना देखो हेलो करती है, जैसे ही कैमरे के सामने आती है रहती है हेलो, हाय कर दो, हाय कर दो, हाय करो, हाय लो, हाय करो, हेलो। अभी तो नहीं भाई, ये कह रही है अभी मुझे है नहीं बोलना, मुझे सीधे व्लॉगिंग करनी है भाई। अभी नहीं पकड़ पाएगी आप, नहीं पकड़ पाओगे। देखो होल्ड करो कैमरा, होल्ड करो, हाय बाय कर दो सब। ओए ओए ये क्या कर रही है भाई? नहीं 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 होल्ड नहीं कर पाएगी। ओए अच्छा 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 भैया अच्छा अच्छा अरे 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 भैया अरे भैया अरे भैया अरे भैया अरे भैया लो ये हाई करने सीधी तुम्हारे कैमरे लेंस पर हाथ लगा दिया इसने। कह रही लो सीधा मैं कैमरे में ऐसे आके अंदर जाके हाय बोलूँगी, मिल के आऊँगी, ऐसे कैसे दूर दूर से, है ना, है ना। वर्चुअली क्यों बोलेंगे हम, फिजिकली बोलेंगे, फिजिकली बोलना चाहती है आपको। सो जो भी आसपास रहता है जल्दी मिलने आ सकते हैं इससे, तो आ जाया करो, है ना। ओके सो अब मैं क्या कह रहा था कि अभी यार मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है तो मैं सोच रहा कि कहीं जाते, मतलब एक्चुअली मैं एक सोच रहा हूँ कि एक छोटी सी बाइक राइड होती है और बाइक राइड भी करके आते हैं और मुझे साइड तक भी जाना अगर थोड़ी बारिश रुक गई सो वहाँ चले गए। ओके सो यार मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। तो एक्चुअली क्या था, जैसे कि आपने मेरा व्लॉग देखा होगा कल का जिसमें मैं अपना थोड़ी परचेजिंग करने गया था, सो उससे रिलेटेड मैंने सोचा था कि मैं एक्चुअली था कि मैं कल गया था अपना शूट करने, आपने व्लॉग तो परसों देख लिया होगा, कल गया था कहीं स्पेशल शूट करने, वो अभी मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ। सो वो जो रिवील होगा मैं उसका चैनल का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे चले जाना, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, है ना। सो वहाँ पे बहुत अच्छा 30 तारीख तक, मे बी 30 तारीख तक एक न्यू प्रोजेक्ट आने वाला है। सो अभी हम उस चीज़ को रिवील नहीं कर रहे हैं। और मैंने आज इसलिए मेरे एक दिन का व्लॉग लेट हुआ बिकॉज उस दिन मैं शूट में रहा था और मैंने सारे BTS शूट करे थे तो उसको मैं अभी डाल नहीं सकता, उस सारे BTS को। तो आफ्टर 30 जुलाई ना, आफ्टर 30 जुलाई आपको इस चैनल पर सारे BTS भी मिलेंगे उसके, तो लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो 30 तारीख तक वेट करो, मजे आने वाले हैं। तो जल्दी जाके आप मेरे, हाँ 31 तक नहीं वैसे 30 पे अगर आगे डाल दूँगा तो हम कर देंगे ना फिर शो। हाँ ये 31 तक वेट कर लो, चलो कोई बात नहीं, सही है ना। उसके बाद जाके सब्सक्राइब कर लेना उस चैनल को, मैं आपको लिंक में दे दूंगा, ऊपर ही ऊपर आ जाए डिस्क्रिप्शन में, है ना। सही है, मिलने आ जाना। और 5 तारीख को समझना। हाँ 5 तारीख को परम का जन्मदिन है तो भाई सही बात है, 5 अगस्त परम का जन्मदिन भी है तो इससे मिलने भी आ सकते हो। तो चलो फिर इस ब्लॉग को ये स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट खत्म नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, जो भी होगा हम शूट करेगा, आपको मजा आएगा, मजा आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फिर मिलते हैं आपसे आगे। सर एक्चुअली क्या हुआ कि अभी मैंने 2 दिन पहले जब मैं शूट पे गया था उससे 2 दिन पहले मैं कुछ परचेज करके आया था तो मैंने उसमें ऑनलाइन पेमेंट किया था तो पता नहीं तब मेरा पेंडिंग पे चला गया। तो अब मुझ पर मैसेज कल आ गया जब मैं बाहर था, तब मैसेज आ गया वो पेमेंट मेरा हो गया और मैं उसको कैश भी दे आया था। सो उस शॉप वाले भी चलते हैं, पेमेंट लेके आते हैं। उसने मुझसे बोला था भैया मैं आपको रीबैक कर दूंगा जब भी पेमेंट आएगा, बट उसने किया नहीं है तो ऑलमोस्ट उसका पेमेंट हो गया है। तो चलते हैं, वो पेमेंट हो गया था, आपने बैक नहीं मारा। कौन सा वाला? आप थे भैया, थे भैया थे। हाँ ये रहा 360 का। क्या? हाँ मैं तो कल बाहर था यार, मुझे आपका नंबर भी नहीं था। A few moments later. मस्त राजमा बने हुए ये, आई थिंक राजमा, राजमा और छोले मिक्स है। हाँ राजमा है, वाह मस्त। तो ये चावल में मिला के इसे खाएंगे बढ़िया और फिर लगेगी भूख मस्त। अपना लंच आ चुका है। सो यही राजमा चावल जैसे मैं आपको दिखाए थे, ये राजमा चावल बनाया मम्मी ने, ये रोटी है और ये आई थिंक राजमा और दाल है और ये अपने मम्मी ने सैलेड दी है तो सैलेड खाएंगे। ये है जो करौंदे होते हैं ना और मिर्च उसका मिक्स करके मस्त। सर अब चलते हैं, साइड पे भी चक्कर लगाना है क्योंकि यार इस समय ऑलमोस्ट पता है कितना टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है अपने 5:19 चलते हैं, है ना। और मैंने ये भी ले लिया है, रोहित को देना है तो सही है। और बाहर पता है लिटरली
बारिश अब आके रुकी है, मतलब 4:30 करीब आके रुकी है, तब से कंटिन्यूसली अपनी बारिश होती रही थी, तो अब आके रुकी है, तो चलो चलते हैं भाई। सर लिटरली देखो मौसम कितना प्यारा हो रहा है ना, वही है यार, जैसे ही मतलब मानसून आता है ना तो ट्रीज़ और वो जो वो होता है ना वेदर, उसमें एक अपने आप ही जो नेचुरल ब्यूटी आ जाती है ना, वो लिटरली अलग ही होती है, कितनी मस्त लग रही है। और अब मैं सोच रहा हूँ इसमें जो है पेट्रोल और डलवा लूँ, बिकॉज 3-4 दिन हो गए है ना, और मुझे पता नहीं है गाड़ी किसने क्या चलाई है घर पर, तो इस गाड़ी को 3-4 दिन बाद मैं चला रहा हूँ, तो उससे पहले पेट्रोल डलवाते उसके बाद अपना निकलेंगे। और ये कमला नगर का पेट्रोल पंप है भाई, तो इससे यहाँ से ज़्यादा डलवाएंगे नहीं, क्योंकि मुझे इधर के पेट्रोल पंप भरोसा नहीं है। सो भाई अपना पेट्रोल तो डलवा लिया, ज़्यादा डलवाया नहीं है बिकॉज इस पेट्रोल पम्प में कमला नगर का पेट्रोल पम्प भाई लिटरली कोई विश्वास नहीं करता, बिकॉज एक्चुअली अब तो इनका मतलब जो ओनर है वो चेंज हो गया है, बट जब पहले वाला था ना, सो उसने भाई इतनी बेईमानी करी है कि लिटरली कि इनका जो दूसरा ओनर है उनका भी इतना मतलब वो होता है ना एक गुडविल ख़राब होना, सो वो गुडविल उसने बहुत बुरी तरह ख़राब करी है, तो इस चक्कर में आई थिंक वो पेट्रोल पम्प बीच में 2 से 2.5 साल बंद भी रहा था उसके बाद, तो ये है भाई, इसलिए यहाँ से कम डलवाता हूँ। अब अगर मेरा पेट्रोल वहाँ पे भगवान टाके से उस साइड चक्कर लगा तो वहाँ से डलवा लेंगे है ना, वैसे तो ज़रूरत थी नहीं, फिर भी ये है कि बस ये है कि भरवा लिया है तो कहीं दिक्कत ना हो, ऐसा होगी तो नहीं, क्योंकि जब मैंने लास्ट चलाई तब भी मैंने डलवाया ही था। चलो अब चलते हैं। लो भाई ये देखना, यही है भाई बारिश का, और लिटरली यार ये जो रोड है ना दयालबाग की, ये हमेशा बारिशों में यही हालत रहती है, जितनी रिपेयरमेंट हो जाए रोड भी ऐसी रहती है। अब भाई ये अब मेरी गाड़ी को मेरी मतलब बाइक को स्विमिंग करना भी आनी चाहिए, तो वो भी ट्राई कर रहे हैं। सो लिटरली पता है इसका क्या है रोड का, कि यहाँ पे हल्का सा गड्ढा होगा ना, तो लेकिन वो डाल तो देते हैं, बट ये कि इसमें गड्ढे टाइप की होगी। बच्चा भाई मैं अलग ही ले गया था, बताओ बताओ फाइनली निकला है। हाँ तो लिटरली क्या होगा कि यार थोड़ा ना जैसे स्लोप टाइप होता है ना, सो रोड वो सबसे यार ख़तरनाक मोड़ यही है, क्योंकि यहाँ एक तो पानी भरा रहता है, देख लिया आपने, अब ये पूरा आने जाना, तो ऐसे स्लोप टाइप का होगा, तो वो स्लोप को मतलब अगर एकदम फ्लैट हो जाए ना तो रोड मतलब नहीं वो भरेगी, बट पता नहीं वो ऐसी रोड डाल जाते हैं उसको, ऐसी रिपेयरमेंट कर जाते हैं, इसलिए हर मानसून का यही है यहाँ पे पानी ऐसा भरा रहता है। और लिटरली देखो मौसम मस्त मस्त हो रहा है, इन्जॉय करो तुम, इन्जॉय। भाई फाइनली अपनी कॉलोनी में पहुंच गए हैं, तो वहाँ से तो बाइक जा नहीं पाती है क्योंकि माल खड़ा हुआ, आपने समझे लास्ट व्लॉग में देखा होगा, इसलिए मैं यहाँ से घुमा के लाके आया हूँ, तो इसकी ऑलमोस्ट आई थिंक नींव डल चुकी है, उसके बाद देखिए तो वहाँ से तो पूरा ब्लॉक पड़ा है, और बड़े भैया अभी बैठे हुए वहीं पर। वाह क्या मस्त आवाज़ आ रही है ना, देखो क्या मस्त, मानसून का अलग ही है भाई फीलिंग अलग रहती है। तो भाई अपना सीमेंट यहाँ पे लगा हुआ है, और अब थोड़ी बहुत ईंटें रह गई है, ज़्यादा रह नहीं गई है। तो भाई ये देखो अभी एक साइड की नींव हुई है उधर आगे वाले की, ये वाली भी आज मतलब बारिश के चक्कर में काम रुक गया होगा, देख रहे हो यहाँ अटकी हुई है। तो अभी मैं साइड पर आया था, तो इतने में क्या है कि अभी एक कस्टमर आने वाला है, तो उसको दिखाते हैं फिर निकलते हैं। और अभी मैंने रोहित से बात भी नहीं करी है, उससे ही बात कर लूँ, बिकॉज उसका जो मैं लेके आया हूँ ना पार्सल वो देना है उसे, उसके बाद फिर यहाँ से चलेगी। ओके तो कस्टमर आ ही गया है, बस फ़ोन पे बात हुई है, भैया लेने गया पिक करने गया, देन फिर उसको दिखाते फिर निकलते हैं। सो भाई फाइनली कस्टमर को तो दिखा दिया है ना, अब निकलते हैं। अब मैं रोहित को भी फ़ोन क्या करूँगा, घर पे ही होगा वो,
तो वहाँ चलते हैं और उसको पार्सल देते हैं उसका, फिर अपने जाएंगे घर पे। ओके भाई, बिल्कुल कुछ बेवकूफ़ को चक्कर में देखो जाम लगा हुआ है। उसने क्या करा, बीच रोड में लगा रखी है गाड़ी अपनी, अब हटा रहा है, पूरी रोड ब्लॉक कर रखी है। मतलब कहीं भी मन करे वहाँ खड़ी कर देते हैं। अरे देखो इस चक्कर में पूरी हट गई है, और आगे भी किसी ने ऐसी लगा रखी है गाड़ी। 5 मिनट करीब होगा यहीं पर, इतना टाइम खड़ा हुआ। अब निकले ऐसे देखो, ये भी रोड पर लगा दी उसने, और उधर से उस वाली जो रोड चल रही थी वहाँ भी उसने रोड पर लगा दी। उस चक्कर में पूरा ब्लॉकेज हो गया। सो बस पहुँच गया मैं दोस्त के यहाँ पे। सो भाई ये है मार्केट वाली रोड है, सो उधर से आया हूँ मैं। तो बस हम मुझे यहाँ जाना है यहाँ से लेफ्ट, और फिर उसको फ़ोन करते हैं। मतलब घर जाके फ़ोन करेगी कहीं गया क्या होगा। मैं पहले सोच रहा गया होगा, बट गया नहीं होगा वो कहीं, क्योंकि अब तो ऑलमोस्ट इस समय वो घर पे ही होता है। सही है, फिर देखते हैं। नहीं हुआ तो उसको घर पे ही उसकी मम्मी हो। उसका नंबर लीक कर दूं, गालियां देने दो उसे कॉल कर करके। सीव कर रहे बाहर आ, बाहर आ जा। सो भाई आ रहा है, मैंने क्या बोला, घर ही होगा ये, और कहीं होगा ही नहीं। और भाई ये लो तुम्हारी अमानत। बारिश में घूम रहे हो? साइड से जा रहा था। ये ले ओ, ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये बहुत प्यारा लग रहा है ये ना। हाँ, ये ओनर आर्ट से लाते हैं। अच्छा, नमस्ते आंटी। सिटी की आवाज़ आएंगी ना, तो सिटी की आवाज़ में उन लोगों तो कैसे होगा काम है। बैठ लो